हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएचयू का, आपका जो पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसे रेड बोलते हैं, आरईटी, ठीक है। उसके पेपर को हम लोग, ये ओल्ड पेपर है आपके 2021 का, ठीक है, इसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली इसको डिस्कस करने का मेन मोटिव मेरा यही है क्योंकि आपके बीएचयू के जो लोग भी पीएचडी करना चाह रहे हो, ठीक है, उनका बीएचयू का फॉर्म भी आपका आने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे जो भी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके अलावा ये जो क्वेश्चंस हैं जो अपकमिंग आपका सेशन रहने वाला है दिसंबर 2023 का, ठीक है, जून के लिए यूजीसी नेट का, उसमें भी ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे काफी ज्यादा, ठीक है। इससे आपके कंसेप्ट भी, जिन लोगों ने अभी अटेम्प्ट दिया है, ठीक है, जिन लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ रखा हुआ है, उनको ये क्वेश्चंस करने में काफी मदद मिलेगी, ठीक है। सो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आपके आंसर्स विजिबल है, मैंने आंसर्स को नहीं हटाया है, जो जैसे था पीडीएफ में मैंने पूरा एज इट इज उसको वैसे ही डाल दिया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को सिर्फ क्वेश्चंस को समझना है, ठीक है, कि क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, उसके क्या क्या ऑप्शंस हैं, जैसे कि हम लोग दिसंबर वाला जो सेशन हो आपका, ठीक है, उसमें इसका समझ पाए उसके कंसेप्ट को, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस के साथ। देखो इसमें क्या होता है, जब भी आप उसका पीएचडी का एग्जाम दोगे तो वहां पे आपका रिसर्च का एक सेक्शन अलग होता है और आपका जो भी कंसर्न सब्जेक्ट होता है उसका अलग होता है, ठीक है। तो ये एंट्रेंस एग्जाम का पूरा ये फॉर्मेट रहता है जिसमें सबसे पहला ये क्वेश्चन जो है आपका ये रिसर्च का है, ठीक है। ये जो सेक्शन हम लोग अभी अभी डील करने जा रहे हैं ये रिसर्च का सेक्शन है। इसमें कई सारे आपको नए टॉपिक भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसका मैं अलग से एक सेपरेट बनाऊंगी वीडियो, ठीक है। लाइक इसमें कुछ इम्पैक्ट फैक्टर भी हैं, इसमें हम लोग जब न्यूमेरिकल्स, जैसे मीन मोड वाले जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वैसे न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो इसका, इन सबको मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस भी कर रखा हुआ है, ठीक है, जून की सीरीज में आप जाइएगा वहां पर मैंने डिटेल में इसको डिस्कस करके रखा हुआ है, ठीक है। और जो भी नया टॉपिक आपको इसमें देखने को मिलेगा या फिर जो नया टर्म्स यहाँ टर्म आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा उसको मैं एक अलग से वीडियोस का बना दूंगी, ठीक है, छोटा सा वीडियो रहेगा जिससे वो कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे आंसर्स गिवेन है, आंसर्स पहले दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो ये इसका आंसर दे रखा हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है और इसका आंसर कैसे आया है, ठीक है, हमें ये चीज यहाँ पे समझनी है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे हर भी नहीं इसको, जस्ट अ सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा कलेक्शन मेथड इज नॉट नॉर्मली यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च। देखो दो तरीके की अप्रोचेस होती हैं, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी करते हुए चलूंगी, ठीक है, कि दो तरीके की अप्रोचेस होती हैं आपकी, एक होती है क्वालिटेटिव अप्रोच, एक होती है क्वांटिटेटिव अप्रोच, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा कलेक्शन मैथड, कौन सा जो डेटा कलेक्शन का मैथड है, ठीक है, कौन सा मैथड, डेटा कलेक्शन का मैथड इज नॉट नॉर्मली यूज इन द क्वालिटेटिव रिसर्च। तो आपको पता होना चाहिए कि क्वालिटेटिव रिसर्च में कौन से डेटा कलेक्शन मैथड का यूज किया जाता है और क्वांटिटेटिव रिसर्च में कौन से डेटा कलेक्शन का मैथड यूज किया जाता है, ठीक। तो जैसे जब हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं ना, तो क्वालिटेटिव क्या है आपका, पोस्ट पॉजिटिविज्म पे, ठीक है, जहां पे रिसर्चर खुद इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट का ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये क्या है आपका, क्वालिटेटिव है, ठीक है। फोकस ग्रुप, ये क्या है आपका, क्वालिटेटिव है। सेमी स्ट्रक्चर, देखो एक इंटरव्यू होता है एक सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, ठीक है, तो ये जो सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है ये भी आपका क्वालिटेटिव होता है। क्वेश्चन आर का यूज हम कब करते हैं, जब हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं, ठीक है, जब भी आप क्वांटिटेटिव रिसर्च करोगे वहां पे स्टैटिस्टिक का यूज करोगे तो आप क्या प्रिपेयर करोगे, क्वेश्चन आर का यूज करोगे, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हेन अ हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट देयर इज अ नो डिफरेंस। देखो यहाँ पे हमें की पॉइंट ही मिल रहा है, देखो यहाँ पे क्या बोला इन्होंने कि कौन सा इसमें नहीं है, है ना, डेटा कलेक्शन का मेथड इज नॉट नॉर्मली यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च। और यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हेन अ हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट देयर इज अ नो डिफरेंस, देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन टू सिचुएशन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, नो डिफरेंस, जब भी मैंने हाइपोथेसिस को आपको डिस्कस किया है तो वहां पे दो तरीके की हाइपोथेसिस बताई आपको, एक होती है आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस,
और एक होती है आपकी नल हाइपोथेसिस। ठीक है, दो तरीके की हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एंड नल हाइपोथेसिस। ठीक है, जब नल हाइपोथेसिस की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो ये क्या होता है, देखो अल्टरनेट में बोलते हैं देर इज अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, यहाँ पे हम बोलते हैं इसको ट्रू मानते हैं, मतलब देर इज अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन देम। और फिर जब उसको हम रिजेक्ट करते हैं तो ये हम क्या होता है, देर इज अ नो डिफरेंस। जब हम यहाँ पे नहीं की बात करते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है उनके बीच में, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, जब रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं होता उनके बीच में, तो वो क्या होता है आपका नल हाइपोथेसिस। अगर देर इज अ रिलेशनशिप तो वो क्या है आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, देर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन द टू सिचुएशन ग्रुप आउटकम्स और द प्रिवलेंस ऑफ कंडीशन, इट इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। क्लियर है, ये चीजें मैंने ऑलरेडी आप लोग को वहां पे भी डिस्कस कर रखी हुई है जो मैंने क्लास ली थी उसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन विच काइंड ऑफ रिसर्च एनालिसिस ऑफ डेटा इज ऑन गोइंग प्रोसेस। देखो ये की पॉइंट आपको मिला यहाँ पे। ठीक है, आप जब भी पीएचडी के पेपर को सॉल्व करोगे तो वहां पे बहुत सारे आपको की पॉइंट भी देखने को मिलेंगे जो आपकी एग्जाम्स में हेल्प करेंगे आपको। ठीक है, इन विच काइंड ऑफ रिसर्च एनालिसिस ऑफ डेटा इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, ऑन गोइंग प्रोसेस ड्यूरिंग द डेटा कलेक्शन। ठीक है, तो ये जब ये क्वालिटेटिव जो डेटा होता है वो कैसा होता है, ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। रिसर्चर खुद जाता है फील्ड में, खुद वो इन्वॉल्व होता है, डेटा को टाइम टू टाइम कलेक्ट करता रहता है ना। तो ये कैसा होता है, ये क्वालिटेटिव जो रिसर्च होता है वो कैसा प्रोसेस होता है, ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। ये एक की पॉइंट है, अपनी कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। व्हाट इज द मेन एम ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, मेन एम क्या है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का। देखो इंटरडिसिप्लिनरी कहने का मतलब ही हो जाता है कि होलिस्टिक, मतलब कैसा अप्रोच होना चाहिए, समग्र, मतलब यहाँ पे होलिस्टिक अप्रोच को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी कहने का मतलब ही यहाँ पे आ जाता है, डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी रिसर्चर्स हैं सबको एक साथ, मतलब होलिस्टिक अप्रोच, यहाँ पे टू ब्रिंग आउट द होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। ठीक है, Which of the following feature is considered as critical? कौन सा फीचर है जो क्रिटिकल माना जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, है ना, कौन सा ऐसा फीचर है जो क्रिटिकल माना जाता है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर। कलेक्टिंग द डेटा विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्डाइज रिसर्च टूल, मतलब डेटा को कलेक्ट कर रहे हो आप जो भी स्टैंडर्डाइज रिसर्च टूल हो, नहीं ये तो आपका क्वालिटेटिव में होता है। डिजाइन सैम्पलिंग विद प्रोबेबिलिटी सैम्पल टेक्निक, मतलब क्वालिटेटिव यूज कर रहे हो तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आएगी। ठीक, फिर आ जाओ कलेक्टिंग डेटा विद बॉटम अप इम्पीरिकल एविडेंस। ठीक है, देखो जब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव की तो वहां पे टॉप डाउन होता है, मतलब वहां पे इम्पीरिकल एविडेंसेस का यूज नहीं किया जाता है, एक्सपीरियंसेस का यूज, मतलब इम्पीरिकल जो एविडेंसेस होते हैं उनका यूज नहीं होता है। ठीक है, जब हम क्वालिटेटिव में बात करते हैं तो वहां पे जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो कैसा होता है, बॉटम अप इम्पीरिकल एविडेंस होता है, मतलब हम वहां पे बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, वहां पे हम क्या करते हैं क्वालिटेटिव डेटा में जब भी कलेक्शन करते हैं, ठीक है, डेटा का, तो वहां पे बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा फीचर है जो क्रिटिकल माना जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, जो बॉटम अप इम्पीरिकल एविडेंसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गैदरिंग डेटा विद टॉप डाउन, जब टॉप डाउन की बात करते हैं तो आपका ये क्वांटिटेटिव में चला जाता है, राइट। नेक्स्ट आ जाओ पैरामीटर, देखो ये चीज मैंने बताई थी आप लोग को। ठीक है, पैरामीटर बोलते हैं आपके पॉपुलेशन को और स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं आपके सैंपल को। ठीक है, ध्यान देना, पैरामीटर बोलते हैं आपके पॉपुलेशन को और स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं आपके सैंपल को। ठीक है, तो इसका आंसर तो डायरेक्टली यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ क्वालिटेटिव ऑफ रिसर्च जर्नल, कौन सा इसमें से इंडिकेशन है क्वालिटी ऑफ अ रिसर्च जर्नल। ठीक है, क्वालिटी ऑफ अ रिसर्च जर्नल का, अब ये एक नया है, देखो ये हम लोगों ने अपने जब भी हम लोगों ने जो कोर्स कंप्लीट किया है रिसर्च का उसमें एच इंडेक्स, जी इंडेक्स, I10 इंडेक्स और इम्पैक्ट फैक्टर के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो इसको हम लोग, मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, मैंने इसका कंटेंट निकाला हुआ है जिसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें ये पूरा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है आपका, है ना, एच इंडेक्स क्या होता है, जी इंडेक्स क्या होता है ना, ये सारी चीजें। ठीक, तो इसमें पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन, कौन सा इंडिकेशन है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एक शोध
पत्रिका की गुणवत्ता का सूचक है, मतलब कौन बताता है क्वालिटी ऑफ रिसर्च जर्नल जर्नल को, कौन इंडिकेट करता है क्वालिटी ऑफ जो आपका रिसर्च जर्नल है ना, जो शोध पत्रिका है आपकी, उसकी क्वालिटी को कौन इंडिकेट करता है, कौन इसमें इंडिकेट करता है, एच इंडेक्स इंडिकेट करता है, जी इंडेक्स इंडिकेट करता है, आईटेन इंडेक्स या फिर इम्पैक्ट फैक्टर। ठीक है, तो ये एक नया है, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ठीक है, वहां पे आप लोग इसको डिटेल में देखिएगा, बहुत लंबा नहीं है, छोटा सा ही है। ठीक है, लेकिन मैंने अलग अलग उसको बताया। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट फैक्टर। ये एक नया टॉपिक है जो हम लोगों ने अभी रिसर्च में नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, द सैम्पलिंग टेक्निक बेस्ड ऑन द रेफरल सिस्टम। देखो यहाँ पे की पॉइंट मिला आपको, रेफरल सिस्टम ऑफ अ रेस्पॉन्डेंट। जब भी रेफरल सिस्टम की बात करेंगे तो हमेशा स्नोबॉल सैम्पलिंग होगी। स्नोबॉल सैम्पलिंग में हम लोग सेंसिटिव डेटा को कलेक्ट करते हैं, किसको कनेक्ट करते हैं, अब यहाँ पे हम रेफरल सिस्टम का यूज करते हैं। इसने क्या किया, इसको बोला, ठीक है, डेटा कलेक्ट करने को, इसने इसको बोला डेटा कलेक्ट करने को, ठीक, इसने फिर अब दूसरे लोगों को डेटा कलेक्ट करने के लिए बोला, इसने फिर दूसरे लोगों को डेटा कलेक्ट करने के लिए बोला, सिमिलरली इसने फिर एक दूसरे लोगों को बोला, फिर इसने दो लोगों को बोला, फिर इसने, तो ये क्या होता है, रेफरल सिस्टम होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक रेफरल सिस्टम होता है जहां पे हम सेंसिटिव डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, एक रेफरल सिस्टम होता है। कन्वीनियंट सैम्पलिंग, कन्वीनियंट सैम्पलिंग वो होती है अपने आसपास से, मतलब जो हमारी हमें सुविधा, मतलब हमारी सुविधा के अकॉर्डिंग हमें इधर उधर नहीं जाना पड़ता है। ठीक है, हम चाहे तो हमारे घर के सामने जो है, जो हमारे आसपास है, ठीक है, जो हमारे पियर है, उन्हीं में से कोई ना कोई ले लेते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। जब हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की बात करते हैं, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, और क्लस्टर सैम्पलिंग की बात करते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है, बिटवीन द ग्रुप, ठीक है, बिटवीन द ग्रुप कैसे होते हैं, ये लोग डिफरेंट होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन विद इन द ग्रुप ये कैसे होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, विद इन द ग्रुप ये कैसे होते हैं, सेम होते हैं। ठीक, ये होता है आपका स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ठीक, और उसके अलावा क्लस्टर सैम्पलिंग की अगर बात करें, क्लस्टर सैम्पलिंग में बिटवीन द ग्रुप ये जस्ट इसका अपोजिट होता है। ठीक है, जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है उसका जस्ट अपोजिट क्लस्टर होता है। बिटवीन द ग्रुप ये कैसे होते हैं, सेम होते हैं, और विद इन द ग्रुप ये डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये होता है आपका क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग का मैं सिंपल से हम क्या करते हैं, एक पूरा पूरा क्लस्टर उठा लेते हैं, पूरा पूरा हम क्या करते हैं, एक क्लस्टर उठा लेते हैं, उसके बाद इस पे हम लोग अपना रिसर्च करते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है, जो हेट्रोजीनियस ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, होमोजीनियस ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे होता है यहाँ पे। वट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ठीक है, पहली स्टेज क्या होती है सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर की, सबसे पहली स्टेज होती है डिफाइन करना पर्पस को, स्कोप ऑफ द रिव्यू, है ना, यही होता है। सबसे पहले आप क्या करोगे, पर्पस को डिफाइन करोगे, क्या स्कोप है इस रिव्यू का। ठीक है, तो ये क्या होता है, फर्स्ट स्टेज होता है आपका सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर का। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट डज इट मीन टू ऑपरेशनलाइज अ वेरिएबल। जब भी आप लोग, अभी मैं कल आप लोगों को सिखाऊंगी कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं। ठीक है, जिसमें आप लोग देखोगे वहां पे हम लोग ऑपरेशनल डेफिनेशन का एक हेडिंग यूज करेंगे, तो वही चीज बोल रहा है कि हम लोग क्यों ऑपरेशनलाइज करते हैं वेरिएबल को फॉर इम्पीरिकल रिसर्च, है ना, क्या इसका मतलब होता है, जो हम वेरिएबल्स को ऑपरेशनलाइज करते हैं इम्पीरिकल रिसर्च के लिए उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि हम वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहे हैं एक मेजरेबल फैक्टर में, क्योंकि जो वेरिएबल है वो आपका कंस्ट्रक्ट है। दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है आपका कंसेप्ट और एक होता है आपका कंस्ट्रक्ट। ठीक है, ये सब चीजें मैंने डिस्कस करी आपकी, एक होता है आपका कंसेप्ट, एक होता है आपका कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट क्या होता है, आपका हाइपोथेटिकल होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो यहीं से आपका वेरिएबल टर्म्स निकल के आया है, इसी वेरिएबल को, क्योंकि ये क्या है, एक हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है, तो इसको मेजरेबल फैक्टर में लाने के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को ऑपरेशनलाइज करते हैं। वेरिएबल्स को हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशनलाइज करते हैं। दैट मीन्स हम इसे डिफाइन करते हैं वेरिएबल को इन टू द मेजरेबल फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, एनोवा। ठीक है, एनोवा जिसे बोलते हैं एफ रेशियो। ठीक है, क्या है, इसे बोलते हैं एफ रेशियो। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, बिटवीन द ग्रुप अपॉन विद इन द ग्रुप, पूरा ऐसे फॉर्मूला होता है। इसका कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, टू से ज्यादा, दो से ज्यादा, मोर देन टू,
ठीक है, जब वेरिएबल्स होते हैं तब हम एनोवा का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या डिफरेंस बिटवीन द टू ट्रीटमेंट इफेक्ट, दो ट्रीटमेंट इफेक्ट डिफरेंस देखते हैं, जो दो ट्रीटमेंट इफेक्ट है। ट्रीटमेंट कहने का मतलब क्या है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, समझ रहे हो, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इफेक्ट देखने के लिए, नहीं, ठीक है। द एसोसिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल, नहीं, दो वेरिएबल्स नहीं, दो से ज्यादा होते हैं यहाँ पे, देखो यहीं पे समझ में आ रहा है, दो से ज्यादा है। और यहाँ पे भी क्या दिया, कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल, नहीं, टू टू नहीं, डिफरेंस अमंग मोर देन टू, ध्यान देना मोर देन टू होता है, मोर देन टू, हम लोग मोर देन टू इंडिपेंडेंट ग्रुप होते हैं आपके एनोवा में, ठीक है, जहां पे उसके ट्रीटमेंट का इफेक्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, डैश आर एरर्स दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सोर्स अदर देन सैम्पलिंग एंड दे कैन बी रैंडम और नॉन रैंडम। ऐसी त्रुटियां हैं जिन्हें प्रतिचयन के अलावा अन्य स्रोतों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और वे यादृच्छिक या गैर यादृच्छिक हो सकते हैं। देखो इसको समझो, बोल रहा है वो कौन सी एरर्स हैं, डैश आर द एरर्स दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सोर्सेज अदर देन सैम्पलिंग, मतलब ये सैम्पलिंग से, ये जो एरर आती है वो सैम्पलिंग से नहीं आ रही है, समझ रहे हो, ये जो एरर है यहाँ पे, जो एरर आएगी वो सैम्पलिंग की एरर नहीं होगी, ये वो एरर है जो सैम्पलिंग के अलावा दूसरे जो सोर्सेज हैं वहां उनके वजह से आती है, ठीक है। और ये रैंडम भी हो सकती हैं और नॉन रैंडम भी हो सकती हैं, ठीक है, ये रैंडम भी हो सकती हैं और ये नॉन रैंडम भी हो सकती हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका नॉन सैम्पलिंग एरर हो जाएगा, क्योंकि ये एरर आपकी सैम्पलिंग की वजह से नहीं आ रही है। अगर सैम्पलिंग होता तो रैंडम सैम्पलिंग भी हो सकता था, रिस्पॉन्सेज एरर भी हो सकते थे, नॉन रिस्पॉन्सेज भी हो सकते थे, लेकिन ये बोल रहा है कि वो कौन सी एरर है दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सोर्सेज अदर देन सैम्पलिंग, सैम्पलिंग के अलावा, है ना, उसके अलावा जो होते हैं सोर्सेस उसकी वजह से ये एरर आता है, तो वो होता है आपका नॉन सैम्पलिंग एरर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, वेरी इजी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। अब इसमें से क्या करो, एलिमिनेशन मेथड लगा दो, जो आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसको हटा दो यहाँ से, बोला नॉट, सॉरी, जो नॉन प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे नॉट अ टाइप पूछा है ना, नॉट अ टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग तो है, स्नोबॉल सैम्पलिंग भी है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी है, क्लस्टर सैम्पलिंग नहीं है, ये कौन सी सैम्पलिंग है, आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, राइट। आइडिया जेनरेशन बाय टू और मोर पीपल थिंकिंग एज फ्रीली As possible is formally known as, जो दो या दो से अधिक लोगों द्वारा यथासंभव जो स्वतंत्र रूप से विचार की उत्पत्ति औपचारिक रूप से किस प्रकार माना जाता है, मतलब ये जो आइडिया जेनरेशन है ना, जब आइडिया जेनरेशन होता है बाई टू और मोर पीपल थिंकिंग, देखो यहाँ पे थिंकिंग एज फ्रीली एज पॉसिबल, ये आपका की पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। दो या दो से लोग, दो से या दो से ज्यादा लोग जब क्या करते हैं, थिंक करते हैं, जितना ज्यादा फ्री होके, जब आप ब्रेन स्टॉर्म करते हो तो क्या करते हो, ब्रेन स्टॉर्म में कुछ ऑथेंटिक चीजें भी आती हैं, कुछ नॉन ऑथेंटिक चीजें भी आती हैं, कुछ सही भी चीजें होती हैं, कुछ गलत भी चीजें होती हैं, हो जरूरी नहीं है जो आप ब्रेन स्टॉर्म कर रहे हो सही हो, ऐसा नहीं हो सकता ना, हर तरह का आएगा, आप फ्री हो थिंकिंग के लिए, ठीक है, तो वो क्या है, आपका ब्रेन वॉश होता है, ब्रेन स्टॉर्म होता है ना, वो क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्म होता है, जहां पे हम क्या करते हैं, थिंकिंग करते हैं फ्रीली एज पॉसिबल, ठीक है, उसे फॉर्मली क्या बोला जाता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग बोला जाता है। देखो गैप एनालिसिस तो नहीं बोलेंगे, हम थिंकिंग कर रहे हैं कि गैप तो नहीं देख रहे हैं यहाँ पे, फोर्स रिलेशनशिप, कोई फोर्स रिलेशनशिप बना रहे हैं वहां पे, ऐसा भी नहीं, और कोई लर्निंग कर्व भी यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इन रिसर्च टर्मिनोलॉजी द एक्सट्रीनियस वेरिएबल, ठीक है, कौन सा वेरिएबल है, एक्सट्रीनियस वेरिएबल, ठीक है, एक्सट्रीनियस वेरिएबल कैन बी डिस्क्राइब एज अ, एक्सट्रीनियस वेरिएबल को क्या क्या बोला जा सकता है, लिंकिंग द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, नहीं, ये एक्सट्रीनियस जो वेरिएबल होते हैं वो क्या इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को सिर्फ लिंक कराते हैं, ऐसा तो नहीं है ना, ठीक। फिर बोल रहा है द आउटकम और चेंज ब्रॉथ अबाउट एन इंट्रोडक्शन ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब हमारा जो मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जब हम इंट्रोड्यूस कराते हैं उसके बाद जो चेंज आता है, ठीक है, तो वो भी नहीं है हमारा, कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन अ सिचुएशन, ये एक तरीके का कॉज होता है जो हमारी सिचुएशन में चेंजेस लेके आता है, नहीं, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ऑपरेट करते हैं हमारी रियल लाइफ सिचुएशन में, जिसको हम मेजर, एक्सट्रीनियस का मतलब ही यही है, दैट कैन नॉट बी मेजर,
ठीक है, हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी जो स्टडी है, ठीक है, हमारा जो स्टडी है उस पे ये इफेक्ट जरूर डाल के जाते हैं, है ना, समझ रहे हो। एक्सट्रीनियस वेरिएबल variable, वो वेरिएबल्स होते हैं दैट कैन नॉट बी मेजर, है ना, बट इट मे इफेक्ट द चेंजेस इन डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब ये हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पे इफेक्ट जरूर डाल के जाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं आपकी एक्सट्रीनियस वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका कीप, अगर रियल लाइफ सिचुएशन नहीं समझ में आ रही तो यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिखा है, दैट इज नॉट मेजर्ड इन द स्टडी मे अफेक्ट चेंजेस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, ये इसका की पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज मेन बाय द स्पूरियस स्प्यू, देखो ये वर्ड ध्यान रखना, ये जो शब्द है इसका ध्यान रखना, स्पूरियस स्प्यूरियस रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल, मतलब स्प्यूरियस कह सकते हो कि एक ऐसा रिलेशनशिप जो लगता तो ट्रू है ना, लेकिन वो किसी और चीज से रिलेटेड होता है ना, मतलब हमें अपियर होता है, अ रिलेशनशिप दैट अपियर्स टू बी ट्रू, मतलब वो ऐसा लगता है वो सही है, मतलब ये जो दोनों के बीच में जो एक रिलेशन है, ठीक है, दो वेरिएबल्स के बीच में वो ट्रू है, ठीक है, बिकॉज ईच वेरिएबल इज रिलेटेड टू द थर्ड वन, मतलब यहाँ पे देखो सिर्फ इसका की पॉइंट ये है इस पूरे रिलेशनशिप का कि इट अपियर्स टू बी ट्रू, है ना, अपियर होता है कि ये सही रिलेशन है ना, ये चीज है यहाँ पे, ठीक। मैं यहाँ बार बार आपको की पॉइंट को हाईलाइट करा रही हूँ जैसे आपके एग्जाम में भी ये हेल्प कर पाए, है ना। फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च, पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता इसको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के बारे में कौन सा इसमें से सही नहीं है। पहली चीज, अ गुड हाइपोथेसिस इज जनरली सिंपल, ऑब्वियस सी बात है, जो एक गुड हाइपोथेसिस कैसी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, है ना, क्लियर होनी चाहिए, क्लियरली स्टेटेड होनी चाहिए, है ना। हाइपोथेसिस एक सही डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, हाइपोथेसिस का काम ही क्या होता है, हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करना, एक राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करना जिससे हम अपनी रिसर्च को आगे ले जा पाए। इन इंपेरिकल रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ रिसर्च डिजाइन, सही बात है, इंपेरिकल रिसर्च डिजाइन में जो फॉर्मुलेशन होता है, हाइपोथेसिस को यहाँ पे टेस्ट नहीं करते, पहले हाइपोथेसिस को यहाँ पे फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है यहाँ पे, हाइपोथेसिस इट इज नेसेसरी दैट अ हाइपोथेसिस मस्ट नेवर बी कैपेबल ऑफ बीइंग प्रूव्ड और डिसप्रूव, यही तो काम होता है हाइपोथेसिस का, है ना, यहाँ पे क्या बोला, ये आवश्यक ही नहीं है, इट इज नॉट, इट इज अ नेसेसरी, इट इज नेसेसरी दैट अ हाइपोथेसिस मस्ट नेवर बी कैपेबल, वो कभी ना ही प्रूव हो सकती है ना ही डिसप्रूव हो सकती है, यही तो हमें करना होता है, हाइपोथेसिस को हम बनाते हैं इसलिए कि इसे हम प्रूव कर सके या फिर डिसप्रूव कर सके, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट नहीं है आपका, ये ऑप्शन, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, अब बोल रहा है अ रिसर्च हैज ऑब्टेन, जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिसर्चर हैज ऑब्टेन अ सेट ऑफ डेटा हैविंग वैल्यूज, देखो ये आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, एक कई सारे डेटा दे रखे हैं, हमें क्या निकालना, मोड, मोड क्या होता है, हाईएस्ट नंबर, ठीक है, जो हाईएस्ट नंबर रिपीट हो रहा हो, मोड हम ऐसे निकालते हैं, देख लो यहाँ पे वन वन एक ही बार रिपीट हो रहा, फोर कितनी बार रिपीट हो रहा, वन टू थ्री फोर, और कोई नंबर इससे ज्यादा बार रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब जब भी मोड आपको निकालना हो तो हाईएस्ट नंबर रिपीट, हाईएस्ट नंबर जो रिपीट कर रहा हो आपका, ठीक है, तो वो होता है आपका मोड यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सिंपल सा फोर, क्योंकि ये फोर टाइम्स, वन टू थ्री फोर टाइम्स रिपीट कर रहा है, और कोई नंबर तो रिपीट कर नहीं रहा इसमें, है ना, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है ये। हाउ टू जज द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च, आप किसी रिसर्च की जो गहराई है उसको कैसे बता सकते हो, रिसर्च का टाइटल देख करके, रिसर्च कितनी ड्यूरेशन में हुई है, या फिर रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को बता करके, या फिर कितना खर्चा हुआ है उस रिसर्च पे, आपको क्या देखना है, आपको जज करना है डेप्थ को, ठीक है, कितनी वो शोध की जो गहराई है उसको देखना है, तो आप कैसे देख पाओगे उसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है, अभी जब सिनॉप्सिस बनाओगे, डिसर्टेशन बनाओगे, रिसर्च पेपर लिखोगे, तो उसमें आप अपना ऑब्जेक्टिव लिखते हो स्टेटमेंट के बाद, ठीक है, आगे जब स्टेप में आते हो तो ऑब्जेक्टिव लिखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, क्या ऑब्जेक्टिव है आपका, क्या उद्देश्य है आपका इसको रिसर्च को इस पे रिसर्च करने का, क्या उद्देश्य है आपका, ठीक है, तो यहां से ही आप जज कर सकते हो डेप्थ ऑफ द एनी रिसर्च, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्वालिटेटिव रिसर्च, कौन सा क्वालिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड नहीं है, थीमेटिक एनालिसिस है, ठीक है, केस स्टडी, ये भी आपका क्वालिटेटिव में आता है,
और डिस्कोर्स एनालिसिस ये भी आपका क्वालिटेटिव में आता है, लेकिन सर्वे मेथड हो गया ये हिस्ट्री, जो हिस्ट्री होता है हिस्टोरिकल रिसर्च होता है उसके अंदर आता है, जो कि आपका क्वांटिटेटिव होता है। इसी वजह से सर्वे मेथड भी आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च में आ जाता है, क्योंकि हिस्टोरिकल जो रिसर्च होती है उसे क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आता है वो। ठीक है, विलिंगनेस ऑफ स्टडी पार्टिसिपेंट टू पार्टिसिपेट इन अ स्टडी इज ऑब्टेन बाई, शोध अध्ययन में भाग लेने के लिए अध्ययन प्रतिभागियों की इच्छा किसके द्वारा प्राप्त की जाती है। जो विलिंगनेस होती है स्टडी पार्टिसिपेंट्स की पार्टिसिपेट करने के लिए स्टडी में, ठीक है, वो कौन ऑब्टेन करता है। विलिंगनेस इज नॉट नेसेसरी, इच्छा जरूरी नहीं है। ओरल कमिटमेंट इज सफिशियंट, खाली ओरली सारी चीजें हो जाएंगी। कॉपीराइट करना चाहिए, नहीं, इन्फॉर्म्ड जो कंसेंट होते हैं वो होगा इसका आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेफरेंसिंग स्टाइल, ये आपका पेपर वन में है। ठीक है, पेपर टू में इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आपके यूजीसी नेट में पेपर वन में पूछा जाता है। कई सारी रेफरेंसिंग स्टाइल्स हैं आपकी, है ना, जिसमें आपके आ जाता है शिकागो, आ जाता है एपीए, आ जाता है वैंकूवर, आ जाता है। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखने हैं, ये पेपर वन का है आपका। ठीक है, इंडेक्स मेडिकस ये आपका रेफरेंसिंग स्टाइल में नहीं आता है। सेंसिटिविटी ऑफ अ टेस्ट, किसी भी टेस्ट की मेजर की जो होते हैं उसकी सेंसिटिविटी, ठीक है, क्या मेजर करती है, ट्रू नेगेटिविटी, फॉल्स पॉजिटिव्स, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव्स, क्या मेजर करता है, ये भी एक नया आपके लिए है। मैंने इससे रिलेटेड अभी से पढ़ाया नहीं आपको। सेंसिटिविटी ऑफ अ टेस्ट मेजर, जो टेस्ट जो सेंसिटिविटी टेस्ट होता है जो वो क्या चीज को मेजर करता है, ठीक है, वो होता है आपका ट्रू पॉजिटिव्स। ठीक है, ट्रू पॉजिटिव्स को मेजर करता है। अब आ जाओ टाइप टू एरर, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, अभी आपका जो रिसेंट में अभी, हाँ अभी जो एग्जाम भी हुआ है आपका, कभी हुआ है ये, अभी जो भी तुरंत एग्जाम हुआ है वहां पे ऐसे ही आपको दे रखा हुआ था, और टाइप वन और टाइप टू एरर के बारे में पूछा गया था आपसे। ठीक है, मुझे ऑप्शंस नहीं एकदम से याद है, पता नहीं है, जो टाइप वन और टाइप टू एरर करके अलग अलग क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, और कई सारे उसमें चार ऑप्शंस थे, ऐसा कुछ क्वेश्चन था वहां पे। ठीक है, तो वही पूछा जा रहा है यहाँ पे। टाइप टू एरर अकर्स इफ, कब होता है टाइप टू एरर, जब नल हाइपोथेसिस, देखो इसके लिए मैं जो आपको लिखवाया था, जहाँ पे मैंने टाइप वन एरर टाइप टू एरर ऐसे करके मैंने बताया था, पावर ऑफ द टेस्ट, 1 माइनस अल्फा, 1 बीटा, है ना, ये सारी चीजें बताई थी। उसको अगर आप याद कर लेते हो उस टेबल को, तो आपका ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये एरर से आपका क्वेश्चन कभी जाएगा नहीं, आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो टाइप टू एरर कब होता है, जब नल हाइपोथेसिस को हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं जबकि वो फॉल्स होती है ना, जब नल हाइपोथेसिस को हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं जबकि वो फॉल्स होती है। और टाइप वन एरर कब होता है, जब नल हाइपोथेसिस को हम लोग, ये टाइप वन एरर है, जब नल हाइपोथेसिस को हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं जबकि वो ट्रू होती है। ठीक है, जबकि वो ट्रू होती है। और पावर ऑफ द टेस्ट क्या हो जाता है, जब नल हाइपोथेसिस आपकी फॉल्स है, ठीक है, और उसको हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है, पावर ऑफ द टेस्ट होता है। तो ये मैंने आपको एक चार्ट के थ्रू वहां पे समझाया था, ठीक है, वो अपनी कॉपी में बनाना, बहुत आसानी से हो जाएगा, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे वहां पे। व्हेन द डेटा सेट कंटेन्स टू मैनी एक्सट्रीम्स वैल्यू, मतलब अब यहाँ पे क्या है, बहुत टू मैनी एक्सट्रीम्स वैल्यू, अब देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी एक्सट्रीम्स वैल्यू होती हैं। द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो एक्सट्रीम की बात कर दी ना यहाँ पे, एक्सट्रीम की बात की ना, मीन में तो नहीं होगा आपका, मोड में भी एक्सट्रीम तो नहीं निकाल सकते हो, वेरियंस में भी एक्सट्रीम नहीं आएगा, एक्सट्रीम कहाँ आता है आपका, मीडियन में आता है। ठीक है, ये क्या है इसका, ये मीडियन, तो दो एक्सट्रीम ये हो गए आपके। ठीक है, तो एक्सट्रीम्स की जब भी बात आए तो आप मीडियन पे जाओगे। ठीक है, रिसर्चर विशिंग टू ड्रॉ सैंपल फ्रॉम सिक्वेंशियली नंबर हाउस, ठीक है, अब ये क्या है, एक रिसर्चर है वो क्या करना चाह रहा है, सिक्वेंशियली मतलब एक सिक्वेंस में डेटा को कलेक्ट करना चाह रहा है। ठीक है, पहले जैसे ऐसे समझो, मैं इसको ऐसे समझाती हूँ, ठीक है, अच्छा पहले क्वेश्चन देख लो फिर बताती हूँ। अ रिसर्चर विशिंग टू ड्रॉ अ सैंपल फ्रॉम सिक्वेंशियली नंबर्ड हाउस यूजेस अ रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट एंड देन सेलेक्ट एवरी सिक्स हाउस ही शी हैज दस ड्रॉन अ सैंपल। देखो ये सिस्टमैटिक है, देखो वैसे ही पता चल जाएगा, जब भी इसने ये लिखा, ठीक है, और सिक्वेंशियली नंबर लिखा, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये सिस्टमैटिक है, अगर आपने पढ़ा है इसको। ठीक, सिस्टमैटिक में क्या होता है, हमने क्या किया, एक सीक्वेंस बना लिया, नंबरिंग कर दी कि हमें 1 2 3 4 5 6 हर छठे वाले को उठा लेना है, फिर 1 2 3 4 5 6
हर छठे वाले को उठा लेना है, 1 2 3 4 5 6 हर छठे वाले को उठा लेना। तो ये क्या एक सीक्वेंस आ रहा है, हर छठे हाउस को, हर वो जो रिसर्चर है वो रैंडमली चीजों को सेलेक्ट कर रहा है, मतलब रैंडमली चीजें पड़ी हुई है और हर सिक्स वाले को उठा ले रहा है, हर सिक्स को वो उठा ले रहा है, सिक्स हाउस जो सिक्स जो हाउस है उसको वो पिक कर ले रहा है रैंडमली, है ना। तो वो क्या है आपका सिस्टमैटिक हो जाता है, वो क्या होता है आपका सिस्टमैटिक हो जाता है, सिक्वेंशियल नहीं होता, सिक्वेंशियल कुछ नहीं है यहाँ पे, सिंपल रैंडम तो नहीं है। सिंपल रैंडम में तो क्या होता है, लार्ज डेटा होता है, आप कुछ भी उठा सकते हो। यहाँ पे लिखा हर सिक्स, हर सिक्स को, एवरी सिक्स हाउस को वो पिक कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या हो जाता है, सिस्टमैटिक हो जाता है आपका, ठीक है। रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल्स कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज, देखो जो रैंडमाइज्ड है, रैंडमाइज कहने का मतलब क्या हो गया, ये आपका क्वांटिटेटिव है ना, क्वांटिटेटिव है, ठीक। और क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं यहाँ पे, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, ये भी एक नया है आपके लिए, की पॉइंट का काम करेगा। तो वो चीज कहाँ पे आती है, आपकी एनालिटिकल में नहीं आती, ऑब्जर्वेशनल में नहीं आती, डिस्क्रिप्टिव में नहीं आती, एक्सपेरिमेंटल में आती है, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे हम लोग क्लिनिकली ट्रायल कर सकते हैं, ठीक है। वेट इज टू डैश स्केल ऑफ मेजरमेंट, ये आपके जो स्केल ऑफ मेजरमेंट है उससे क्वेश्चन है, ठीक है। वेट इज टू द डैश स्केल ऑफ मेजरमेंट एज पॉलिटिकल एफिलिएशन इज टू द डैश स्केल ऑफ मेजरमेंट। देखो वेट की बात की जा रही है तो यहाँ पे 2 0 आपको मिलेगा, समझ रहे हो। वेट है, किसी का 1.5 भी हो सकता है, किसी का 4 भी हो सकता है, किसी का 0 वेट भी तो हो सकता है, समझ रहे हो, किसी का 0 वेट भी तो हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, आपका रेशियो आएगा, कंफर्म हो गया। फिर आ जाओ पॉलिटिकल जो एफिलिएशन हो रहे हैं, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, हम कैटेगराइज कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम क्या करें, कैटेगराइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका नॉमिनल आ जाएगा, जहाँ पे आपका पॉलिटिकल एफिलिएशन से आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका रेशियो एंड नॉमिनल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, वेन अल्फा इज 0.05, ठीक है। अब अल्फा क्या है, 0.05 है, ठीक है। दो सिग्निफिकेंस लेवल होते हैं आपके, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, एक 0.01 होता है, एक 0.05 होता है, ठीक है। इसमें बोल रहा है जब अल्फा, अल्फा मतलब टाइप वन एरर, समझ रहे हो, अल्फा का मतलब क्या हुआ, अल्फा मतलब टाइप वन एरर, बीटा मतलब टाइप टू एरर। ये सब चीजें आपको रिसर्च में, अगर आपने रिसर्च नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी, तो पहले प्लीज जा करके वो रिसर्च को समझिए, ठीक है। मैंने रिवीजन सीरीज में भी बहुत अच्छे से कराया है और अभी जो डिटेल में कराया है वहां पे भी बहुत अच्छे से कराया है। तो ये अल्फा बीटा ये जो टर्म्स होते हैं ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जो अल्फा होता है वो आपका टाइप वन एरर होता है, जो बीटा होता है वो आपका टाइप टू एरर होता है। बोल रहा है जो अल्फा है, वेन अल्फा इज 0.05, ठीक है, जब अल्फा कितना है, 0.05 है, उसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप टू एरर इज 0.095, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप टू एरर इज 0.05, ये तो ऐसे कैंसिल हो गए आपके, यहाँ पे आ जाओ, ठीक। बोल रहा है 0.05 है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब सिर्फ ये है, देखो 0.05, देखो जब अगर 95% लिखा होता है, ठीक है, तो हम बोलते हैं 5% चांसेस होते हैं, 100 में 5% उसको चांस मिलेगा नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए, ऐसे होता है। तो उस केस में अगर ऐसे लिखा होता तब तो हम इसको सही मानते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टाइप वन एरर इज 0.95, नहीं 0.95 नहीं है, 5% है ना, मतलब 95, मतलब 5 चांसेस उसे मिलेंगे, 100 out of 5 चांस मिलेगा, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका 0.05 हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से 0.095 नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। रिलायबिलिटी ऑफ अ मेजरमेंट मीन्स, कई बहुत बारी बता चुकी हूँ, रिलायबिलिटी का मतलब ही क्या होता है, एक्यूरेसी को चीज करना। कोई भी आप रिसर्च कर रहे हो, कोई सॉरी कोई भी मेजर कर रहे हो, अगर सेम सिचुएशन में, सेम एटमोसफेयर में, अगर सेम रिजल्ट बार बार वो रिपीट कर रहा है तो आपका वो क्या है, रिलायबल है, ठीक है। दिस मेथड ऑफ मेजरमेंट प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट वेन रिपीटेड, मतलब जब उसको रिपीट करो तो सेम वो रिजल्ट दे, ठीक है, तो वो रिलायबिलिटी होता है, रिलायबिलिटी होती है, ठीक है। रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी को बताती है और एक्यूरेसी वैलिडिटी को बताती है, लेकिन रिलायबिलिटी आपकी सफिशियंट कंडीशन नहीं होती है, जबकि वैलिडिटी आपकी एक सफिशियंट कंडीशन होती है। इससे कई बारी को क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इफ यू हैड अ जेड स्कोर ऑफ 2.33, ठीक है, आप टी स्कोर है, जेड स्कोर है ना, कई सारे हैं। इस अब लिखा हुआ है कि अगर आपके पास, अब ये जिसके लिए आपको
जो मैंने स्टैटिस्टिक का पार्ट कराया वो चीज आपको देखनी पड़ेगी, है ना। दो तरीके के यहाँ पे स्कोर मैंने डिस्कस किए थे, एक टी स्कोर डिस्कस किया था, एक जेड स्कोर। जेड स्कोर क्या है? आपका स्टैंडर्ड स्कोर है। स्टैंडर्ड स्कोर कई सारे होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो हम लोगों ने पढ़ा है वो जेड स्कोर को पढ़ा है, टी स्कोर को पढ़ा है और एक स्टेनाई को पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे बोल रहा है इफ यू हैड अ जेड स्कोर ऑफ 2.33, है ना, हमारे पास जेड स्कोर क्या है 2.33 है, दिस वुड टेल यू दैट। वो क्या बता रहा है आपको? आपका स्कोर जो है, योर स्कोर वाइज 2.33 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव द मीन। मतलब ये जो आपका जो ये 2.33 बोल रहा है, ये क्या होता है? ये वन सिग्मा होता है, ये सॉरी माइनस होता है ना, ये क्या है आपका टू सिग्मा है, ठीक। तो ये क्या बोल रहा है 2.33 है ना, तो 2.3 ये पॉजिटिव है ना, नेगेटिव तो नहीं लिखा है यहाँ पे, ये तो पॉजिटिव है, तो किधर जाएगा? अबव द मीन है ना, बिलो द मीन नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा, ठीक। योर स्कोर वॉज 2.33 बिलो द मीन, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे माइनस होता तो बिलो द मीन जाता, जब इधर को आएगा तो बिलो द मीन। देर वॉज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2.33 ऑफ ऑप्टेनिंग अ स्कोर ग्रेटर देन योर स्कोर, नहीं। देर वॉज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2.33 ऑफ ऑप्टेनिंग अ स्कोर लेस देन योर स्कोर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हमें बिलो और अबव देखना होता है यहाँ पे। सैंपल का मतलब क्या होता है? सैंपल का मतलब क्या है? ये एक तरीके से पॉइंट एस्टिमेट के काम करता है हमारे पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। ये क्या काम करता है इससे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट एस्टिमेट्स ऑफ पॉपुलेशन मींस, ठीक। फील्ड स्टडी किसके साथ रिलेटेड होता है? जब भी फील्ड देखो ये आपका हो जाता है रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ, ठीक है। ये क्वालिटेटिव के अंदर आता है, क्वांटिटेटिव के अंदर नहीं आता, रियल लाइफ जो सिचुएशंस होती हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज रेफरेंस मैनेजर? अब ये भी एक नया है और ये आपके पेपर वन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेपर टू के लिए नहीं। कौन सा सॉफ्टवेयर है जो रेफरेंस मैनेजर है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, एंड नोट। कौन सा है रेफरेंस मैनेजर का? एंड नोट, ठीक है, ये आपको पेपर वन के लिए याद रखना है। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लैगरिज्म? अब ये जो प्लैगरिज्म होता है उसको, मतलब जो जब भी आप लोग रिसर्च बनाते हो, ठीक है, रिसर्च पेपर वगैरह, तो प्लैगरिज्म चेकिंग टूल्स होते हैं, कई सारे टूल्स होते हैं। ये मैंने यूनिट 8 में भी आप लोग को समझ बताया हुआ है कई सारे टूल्स के नाम। उसके अलावा ये पेपर 1 में आपसे पूछा जाता है, ठीक है, पेपर 1 में और यूनिट 8 में भी पूछा जाता है एक्चुअली, ठीक है। यूनिट 8 में भी प्लैगरिज्म के कई सारे टूल्स हैं, उसकी सॉफ्टवेयर भी हैं, जिसके बारे में मैंने वहां पे बताया हुआ है, ठीक है। तो कौन सा है इसमें से? तो इसमें से कौन सा है आपका प्लैगरिज्म चेकिंग टूल, ठीक है, वो कौन सा है आपका? आइथेंटिक। कौन सा है? आइथेंटिकेट, ठीक है, आइथेंटिकेट, स्कोपस, पेब्लोन, ऑर्किड, ये सब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ अ रिसर्च आर्टिकल इन साइंटिफिक जर्नल। जो एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है जो हम लोग साइंटिफिक जर्नल्स में फॉलो करते हैं, रिसर्च आर्टिकल जब आप पढ़ते हो तो एक स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, मेथोडोलॉजी है, रिजल्ट डिस्कशन है, ऐसे करके, है ना। तो पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे, फिर मैथोडोलॉजी, फिर रिसर्च, है ना, सॉरी, फिर रिजल्ट एंड डिस्कशन, फिर कंक्लूजन, डिफरेंसेस, ठीक है। देखो यहाँ पे क्यों ये गलत हो जाएगा? सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद समरी आ गई तुरंत, नहीं, इस वजह से ये गलत। फिर रिजल्ट डिस्कशन, फिर इधर आ जाओ, सबसे पहले समरी दे दोगे, फिर इंट्रोडक्शन, फिर रिजल्ट डिस्कशन आ गया, और मेथोडोलॉजी बाद में यूज करोगे, तो इस वजह से गलत हो गया, ठीक है। हम लोग को यहाँ से बेस्ट निकालना है। इंट्रोडक्शन दिया, समरी दिया, मेथोडोलॉजी दिया, रिजल्ट डिस्कशन एंड कंक्लूजन, नहीं, ठीक है, रेफरेंसेस भी आएगा आपका लास्ट में, ठीक है। कल मैं जब सिनॉप्सिस समझाऊंगी तो ये सब चीजें आप लोग को और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। फिर अ मेजर ऑफ सिमेट्री और असिमेट्री ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। देखो सिमेट्री, एक ये क्या है, एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, और ये क्या है, असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये क्या है, असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। जो सिमेट्री और असिमेट्री होती है उसे स्किवनेस बोलते हैं। राइट साइड को स्किव कर दो, ठीक है, या फिर लेफ्ट साइड को स्किव, पॉजिटिवली स्क्यूड बोलो या फिर नेगेटिवली स्क्यूड बोलो, है ना, तो वो क्या होता है, स्किवनेस होती है, क्यूटोसिस नहीं होती है, क्यूटोसिस अलग चीज है, ठीक है। ये क्या है, मैंने एक्चुअली इसको भी देखा नहीं है क्या है। स्टडी द गिवन ग्राफ, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल पार्टिसिपेटिंग। चलो ये न्यूमेरिकल है ना, वैसे तो इसमें क्या बोल रहा है, वट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग इन रैली फ्रॉम स्कूल ए एंड सी, स्कूल ए एंड सी, ए में कितना है 450, 550, ये जो डेटा दे रखा है आपका, ठीक है, ये और
जी दोनों को क्या कर देना, आपको ऐड कर देना है, ठीक है। दोनों को आपको क्या कर देना है, यहाँ पे सिर्फ ऐड कर देना है, तो आपको कितना आ जाएगा, 925 आ जाएगा, ठीक। ए और सी का टूगेदर का बताना है, ठीक है। एक ग्राफ दे रखा हुआ है जिसमें ए में कितना है आपका, ये हो जाएगा, ये डेटा ले लो, है ना, और ये 550 ले लो, ये कितना हो जाएगा 450, और ये 550, 450 है ना, 500, 400, 900, है ना, 500, 900 हो गया, ठीक है। अब इसको ये इतना ले रहे हो ना, तो इसी वजह से ये कितना हो जाएगा, 925 हो जाएगा, ये क्या है, अच्छा ये उसी का ही है, एक मिनट, फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन क्वेश्चन आंसर, फुल मार्क्स इज बीइंग, अच्छा ये इस क्वेश्चन के लिए सभी को फुल मार्क्स मिले थे, चलो उसको छोड़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब ये हम लोगों ने रिसर्च का मॉडल पूरा डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ये जो पूरा रिसर्च का सेक्शन था, ठीक है, ये जितने भी अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, मैंने जैसे बताया, एक होता है आपका रिसर्च का सेक्शन, ठीक है, एक होता है आपका रिसर्च के क्वेश्चंस होते हैं एक आपके, प्लस फिर आपका जो सब्जेक्ट होता है कंसर्न सब्जेक्ट, उसके क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे आपके। कभी भी पीएचडी का एग्जाम दोगे तो आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो ऐसे ही डिजाइन होता है वहाँ पे, प्लस आपका जो इंटरव्यू होता है वो अलग से होता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने रिसर्च के ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। कल के सेशन में हम लोग जो ये आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आए हुए हैं, देखो यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन आप लोगों ने, एक सेकेंड नीचे आओ, ये सब्जेक्ट एरिया, ठीक है, ये क्या है, जो भी आपका सब्जेक्ट एरिया है, देखो यहाँ पे एडी मॉडल के बारे में बोला गया है ना, सैटेलाइट जो स्पुटनिक कब लॉन्च हुआ था, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पे पूछा गया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग कल के सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे यूनिट 3, यूनिट 7, यूनिट 8, ये यूनिट 8 के क्वेश्चन है, ठीक है, कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हुए हैं, तो इसको कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो कल ही हम लोगों का ये जो बीएचयू का पीएचडी का 2021 का एग्जाम है, ठीक है, ये कौन सा एंट्रेंस एग्जाम है आपका, 21 वाला है, ठीक है। तो कल ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट होंगे मेरे पास 2017 तक है, ठीक है, 2017 तक का पीडीएफ है पूरे, ठीक है। तो डे बाय डे, ठीक है, हम लोग एक एक पेपर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक जो नया क्वेश्चन आया आपका वो इम्पैक्ट फैक्टर वाला, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी छोटा सा, वहां से आप लोग उसको नोट कर लेना, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ ये सेशंस आपके लिए यूजफुल रहेंगे, है ना। उसके अलावा जो लोग भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो वो सभी लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, क्योंकि जो भी अपडेट्स होंगी वो सारी आपको वहीं पे मिलेंगी। उसके अलावा मैं कई सारे वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के भी शेयर करती रहती हूँ, जो आपकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम्स में आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे, ठीक है, फॉर श्योर, है ना। और उसके अलावा कल मैंने एनईपी का आप लोगों को पीडीएफ भी दे दिया है, जो मैंने खुद से जो मैंने वो कंटेंट अलग से लेकर के बनाया था उसका मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया है, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों ने उसको देख लिया होगा, है ना। उसके अलावा एक अपडेट और ये थी कि आपका ये मैंने कम्युनिटी टैब पे वैसे शेयर भी किया है, जो आंसर की है जुलाई के फर्स्ट वीक में आएगी, ठीक है, जुलाई के फर्स्ट वीक में आंसर की आ जाएगी, उसके बाद उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे आंसर की को, ठीक है। उसके बाद जब आंसर की डिस्कस करने के बाद हम लोग पूरा अपना दिसंबर के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो मेरा मेन रहेगा वो रहेगा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराना, क्योंकि मैंने चैनल पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अभी तक डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। तो इसी वजह से पूरे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मेरे पास हैं वो सारे मैं क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस करूंगी पहले, देन फिर हम लोग कंटेंट को रिविजन करेंगे, क्योंकि मैंने कंटेंट ऑलरेडी करा रखा हुआ है, तो इसलिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कंटेंट को रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, अगर वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, है ना, और जो भी फीडबैक हो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। सो थैंक यू एवरीवन।